ये वीडियो आज के लिए रोजगार समाचार होगी और यहाँ पे हम इन सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। सबसे पहले शुरू करते हैं कांस्टेबल भर्ती से। तो देखिये, जो 2018 में कांस्टेबल भर्ती थी, जिसमें करीब 31,360 पद थे, इस पर यह मामला आया है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था रुचि यादव के केस में। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो जनरल का नंबर है, उससे ज़्यादा कोई अगर नंबर पाया है तो वो सिलेक्शन लेने का अधिकारी है। हालांकि आयोग ने उनको कहा कि महिलाओं का कोटा 20% है और इससे ज़्यादा सीटों की हम वैकेंसी नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बदलने को कहा। तो अब उसी को आधार बना करके एक नई याचिका पड़ी है हाईकोर्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी के बारे में अपडेट है। ये नई याचिका यहाँ पे आगरा की सुषमा चौधरी के द्वारा डाली गई है। यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गौरव यादव केस में कहा था कि कटाप अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा था। तो इस आधार पे जिन लोगों का नंबर जनरल से अधिक है, उन लोगों को किसी भी हालत में नियुक्ति देने के बारे में आयोग सोचे। तो इसी के बारे में सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आप अपने स्क्रीन पर दो न्यूज कटिंग देख सकते हैं, दोनों अलग अलग पेपर की है। अगली अपडेट है सेवा योजन से। तो देखिए, सेवा योजन पर अभी तक आपको केवल प्राइवेट जॉब ही दिखते थे, जहां पे आप जिला वाइज रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपको वहां पे भर्ती मिलती है। लेकिन अब जितने भी संविदा वाली भर्तियां होंगी, उनको भी सेवा योजन के माध्यम से कराने की पहल शुरू की गई है। आप देख रहे हैं कि हेडिंग है कि सेवा योजन विभाग से होगी संविदा भर्ती। यानी कि अगर आपने सेवा योजन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। वहाँ पे जिला वाइज रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पे प्राइवेट वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन अधिकतर संविदा वाली भर्ती भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं UP SSC के बारे में। तो देखिए, UP SSC ने आज यानी कि 11 नवंबर को भी एक नया नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस दो पुरानी भर्तियों के लिए है। दोनों पुरानी भर्ती अनुदेशक के लिए है। एक भर्ती 2015 में आई थी और एक 2016 में। इसके लिए एक नया सिलेबस जारी किया गया है। यहाँ पे परिवर्तन ये किया गया है कि पहले इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है और 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 इसके लिए माइनस मार्किंग रखा गया है। तो इसके लिए एक नया सिलेबस जारी किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस पेपर कटिंग को, तो हेडिंग है कि लेखपालों की पदोन्नति के लिए वार्षिक प्रविष्टियों का ब्यौरा तलब। यानी कि कितने लेखपाल हैं जिनका पदोन्नति करना है, जिनका प्रमोशन करना है, इसके लिए ब्यौरा मांगा गया है। ये ब्यौरा जो देने का अंतिम डेट है, ये 15 से 18 नवंबर है। यानी कि 18 नवंबर से पहले पहले ब्यौरा दे देना है। यानी कहने का ये मतलब है कि लेखपाल की जो भर्ती अगर 20 नवंबर के अगर आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो चांसेस ये हैं कि जहाँ पे लगभग 7800 पद आने वाले थे, उससे ज़्यादा भी पद आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सरकार का काम यह है, सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को जॉब दिया जाए, ताकि उन्हें चुनाव में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगली अपडेट है देखिए UPSC से। यहाँ पे UPSC में पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों पर भर्ती आई है, और यह एक सीधी भर्ती होगी। इसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी, और यहाँ पे परीक्षा योजना के बारे में आयोग ने पहले से ही नोटिस जारी कर दिया है। कुल मिलाकर 300 अंकों का पेपर होगा और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको UPSC के होम पेज पे जाना होगा। अगला अपडेट है देखिए, प्रदेश में जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती हो रही थी, उसके बारे में आंसर किया है 4 सवाल गलत हो गए। कहा गया है कि जो भी सवाल गलत हुए हैं, इसका जो मार्क है सभी कैंडिडेटों को दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट है टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए। आपको पता होगा कि इसके लिए आवेदन होना शुरू हो चुका है। सरकार ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक आपको ये टैबलेट मिलने लगेगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे हेडिंग देखेंगे, तो दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। यहाँ पे ये किनको किनको मिलेगा, तो स्नातक को, परास्नातक को, तकनीकी शिक्षा को, मेडिकल शिक्षा को। यहाँ पे लगभग 68 लाख युवा हैं, इनके लिए ये मिलेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में ये वितरण होना शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट है अमीन भर्ती के लिए। देखिए, यहाँ पे अमीन भर्ती के लिए जोनल स्तर पे, मतलब कि मुख्यालय पे, इसका एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है, और चांसेस ये हैं कि जब इसका प्रस्ताव तैयार हो जाएगा, तो इसके लिए इसकी जो वैकेंसी है चुनाव से पहले
कराई जाएगी। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम है कि चुनाव से पहले आपको ये भर्ती पूरी होती दिखाई दे, लेकिन इसका आवेदन तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे इस दोनों पेपर कटिंग को अगर आप देखेंगे तो दोनों दो न्यूज़ की पेपर कटिंग है और दोनों में कहने का बस एक ही मतलब है कि अमीन की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ देखेंगे तो कहा गया है कि चुनावी साल में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने की राज्य सरकार की मंशा के मद्देनजर कवायद शुरू हो गई है और इसी कड़ी में वाणिज्य कर विभाग में अमीनों के रिक्त पदों भरने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जितने भी पद खाली होंगे तो यहाँ पे कुछ पदों को प्रमोशन के द्वारा भरा जाना है, कुछ पदों के लिए वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी आपको अगले महीने यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक देखने को मिल सकती है। पूरे चांसेस हैं कि इसको कराने का जो पावर मिलेगा ये यूपी ट्रिपल एससी को ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ जॉब्स के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 423 पदों पर भर्ती आई है सहायक कृषि अधिकारी की। इसके लिए 21 से 43 साल वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो बीएससी होना चाहिए कृषि में या फिर एमएससी भी है तब भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट है ukssc.uk.gov.in, यहां जाकर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगली अपडेट है बैंक ऑफ इंडिया से यानी कि BOI से। कुल मिला के 12 पद हैं और इसमें कई तरह के हैं, परिचायक, चौकीदार, ये कई तरह के पद हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको bankofindia.co.in पर जाना होगा। 15 नवंबर तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए तो अप्रेंटिस के लिए कुल मिला के 527 पद आए हैं और इसके लिए अप्रेंटिस में जैसे होता है 10वीं 12वीं के बाद डिप्लोमा और ITI वाले आवेदन करते हैं, तो 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप इसके आवेदन कर पाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यह भर्ती है। www.iocl.com पे जाकर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगली अपडेट है ग्रामीण विभाग में कई सारे पदों के लिए 106 पद होंगे और इसके लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, IT या फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे वेबसाइट भी दिख रही है, ये राजस्थान की भर्ती है। अगली अपडेट है यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुल मिलाकर 120 पद हैं और इसके लिए अगर आप कंप्यूटर में ITI डिप्लोमा कुछ भी रखते हैं तब आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 18 से 30 साल तक उम्र सीमा रखी गई है। वेबसाइट है thdc.co.in। अगली अपडेट है मैनेजर भर्ती के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, ग्रुप मैनेजर और मैनेजर के लिए भर्ती है। कुल मिला के 86 पद हैं तो अगर आप 7 दिसंबर से पहले इसका आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे देखिए 4438 पदों के लिए जो कांस्टेबल GD की भर्ती थी इसका आवेदन आज से शुरू हो चुका है। यह है पुलिस में राजस्थान की। राजस्थान की जो 4438 पद थे नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था लेकिन इसका आवेदन आज यानी कि 11 नवंबर से शुरू हो चुका है। आप जाकर इसका आवेदन जरूर कर लें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।